दोस्तों, आप लोग सरस्वती नदी के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप सरस्वती नदी को बहते हुए देखे हैं? नहीं ना, क्योंकि ये नदी इस टाइम विलुप्त हो गई है। और ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी हजारों साल पहले अपने अस्तित्व में थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों ये सरस्वती नदी विलुप्त हो गई? दरअसल हम आपको इस नदी से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं जो शायद आपको इस नदी के रहस्य से जुड़ी कुछ बातों से पर्दा उठाने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कहाँ है इस नदी का अस्तित्व और क्या है इसकी रोचक कहानी। दोस्तों, जब हम बात सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की करते हैं, तो ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से निकली इसे अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी के रूप में माना जाता है, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास है। यह नदी कच्छ के रण से मिलने से पहले पाटन और सिद्धपुर से होकर गुजरती है। ऐसा माना जाता है कि नदी कई हजार साल पहले अस्तित्व में थी और अब यह सूख गई और विलुप्त हो गई है। सरस्वती नदी के बारे में हमारे हिंदू ग्रंथ क्या कहते हैं, आइए ये जानते हैं। इस नदी का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके पानी का शक्तिशाली प्रवाह उन कुछ नदियों में से एक था जिन्हें कभी हिंदू धर्म के लोगों द्वारा पूजा जाता था, और आज भी प्रयाग में त्रिवेणी का संगम स्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्नान मात्र से भक्तों के पाप धुल जाया करते हैं। यदि हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो यह नदी हड़प्पा सभ्यता के दौरान अस्तित्व में थी। वास्तव में इस सभ्यता के कई महत्वपूर्ण भागों का निर्माण सरस्वती नदी के तट पर ही हुआ था। महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख माना जाता है। महाभारत के कुछ पृष्ठों में इस नदी का उल्लेख है, जो हरियाणा के सिरसा नामक एक कस्बे में कहीं विलुप्त हो गई थी। भौगोलिक इतिहास और पुरातात्विकों की खोजों से पता चलता है कि राजस्थान हमेशा से एक सूखा हुआ स्थान नहीं था, बल्कि एक समय बहुत हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था, जिसने एक बड़ी नदी प्रणाली का मेजबानी की, जिसके कारण इस क्षेत्र के आसपास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की स्थापना भी हुई थी। महाभारत में वर्णित राजा पुरुरवा सरस्वती नदी के तट के पास अपनी होने वाली पत्नी उर्वशी से मिले थे। महाभारत का युद्ध न केवल सरस्वती नदी के पास लड़ा गया था, बल्कि उसका पाठ भी इस तटों के पर हुआ था। हिंदू के पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी का बहुत महत्व भी माना जाता है। अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो सरस्वती नदी देवी सरस्वती का ही एक रूप माना जाता है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और रचनात्मक की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से इस नदी का भी बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। कई संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव और देवी पार्वती की संतानों में से एक कार्तिकेय को सरस्वती नदी के तट के पास देव सेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। वहीं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने अत्याचारी राक्षस की हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए सरस्वती नदी के पानी में स्नान किया था, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिल सकती थी। और इन शास्त्रों के इस बात का जिक्र ये भी है कि एक बार जब वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वह पूजा पाठ कर सके। शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह से बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह एक दिन विलुप्त हो जाएंगी। शायद एक वजह यह भी माना जाता है इस नदी का अस्तित्व खो चुकने का। एक अन्य कथा की माने तो माता सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा के सिर से हुआ था। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। उन सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने देखा था, और उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने सरस्वती जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस समय माता सरस्वती उनकी इस इच्छा से सहमत नहीं हुई और नदी के रूप में जमीन के नीचे से बहने लगी। दोस्तों, ये थे सरस्वती नदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिनकी वजह से आप इस नदी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी पवित्रता से इसकी पूजा पाठ होती रहती है। हमारे हिंदू धर्म में माता सरस्वती का बहुत महत्व है। इसकी पवित्रता की वजह से यहाँ पूजा पाठ हमेशा होती रहती है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।